अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सुपर सिंपल कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है पनीर हांडी। इसको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लीजिए। बिल्कुल बारीक कटी मीडियम साइज़ की प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर एंड वाइट पेपर पाउडर, एक छोटी शिमला मिर्च, हैप्पी काउ का एक ट्रायंगल, चेडर चीज़ के स्लाइसेस तकरीबन मैंने यहाँ 1.5 लिए, एक अदद हरी मिर्च और थोड़ी सी ग्रीन अनियन, 1 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर, 1/2 kg चिकन, 1 ग्लास मिल्क है, 3 to 4 टेबलस्पून क्रीम ऐड की है। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑयल शामिल करेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही चिकन फ्राई हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, तो हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे और इसको भी चिकन के साथ फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि जब हम मसाले डालें तो वो जल ना जाएं। अब हम मसाले शामिल कर देंगे इसमें और अच्छी तरह से मसालों को भी चिकन के साथ फ्राई करते जाएंगे। जैसे ही पानी ड्राई होने लगेगा, हम इसके अंदर 1 ग्लास मिल्क शामिल करेंगे। मिल्क शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर शामिल, इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम हमारा बिल्कुल मीडियम है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे चीज़ स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं। चीज़ स्लाइसेस ऐड करने के बाद अच्छी तरह से उसको मिक्स करिए ताकि वो मेल्ट हो जाए और आप इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम की आंच पर छोड़ दीजिए। 10 मिनट हो गए हैं, चिकन हमारी कुक हो गई है। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च, हरी मिर्च शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून क्रीम ऐड की है। इसके साथ ही मैंने हैप्पी काउ का एक ट्रायंगल शामिल किया है और 1 टेबलस्पून बटर शामिल किया है। बटर और चीज़ को हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। इसके बाद इसके अंदर हम ग्रीन अनियन शामिल करेंगे। पनीर हांडी हमारी रेडी है, इसको डिश आउट कर लेते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर हांडी हमारी तैयार है, इसको डिश आउट कर लिया है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।